एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ लेक्चर के इस वीडियो सीरीज में आज हम डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को समझेंगे विथ प्रॉपर नोट्स। सेपरेशन ऑफ पावर के ऊपर ये हमारा फोर्थ लेक्चर है। हमने सेपरेशन ऑफ पावर से किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं उन सभी टॉपिक्स को कवर कर लिया है। जैसे हमने सेपरेशन ऑफ पावर के बेसिक मीनिंग को समझा, इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को समझा, हमने एलिमेंट्स ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, एडवांटेजेस ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर को समझा। आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को समझेंगे। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं जो सेपरेशन ऑफ पावर से जुड़े हुए हैं, राइट। चलिए देखो, अगर हम डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर के कॉन्सेप्ट को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर को लेकर के कोई एक्सप्रेस्ड प्रोविजंस नहीं है। देयर इज नो एनी एक्सप्रेस्ड प्रोविजंस रिगार्डिंग सेपरेशन ऑफ पावर गिवन अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में ये एब्सोल्यूटली गिवन नहीं है। बट कॉन्स्टिट्यूशन डज मेक्स द प्रोविजंस फॉर रीजनेबल सेपरेशन ऑफ पावर एंड फंक्शंस बिटवीन थ्री ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। लेकिन कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं जो रीजनेबल सेपरेशन ऑफ पावर की ओर इशारा करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एब्सोल्यूट सेपरेशन ऑफ पावर के कंसेप्ट को अडॉप्ट नहीं किया गया है। स्ट्रिक्ट कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर को अडॉप्ट नहीं किया गया है, बल्कि रीजनेबल सेपरेशन ऑफ पावर के कंसेप्ट को अडॉप्ट किया गया है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कई प्रोविजंस हैं जो ओवरलैपिंग इन नेचर हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कई सारे ऐसे प्रोविजंस हैं जो इन एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज जैसे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, इन्हें पावर्स प्रोवाइड करते हैं जो कि क्या है, ओवरलैपिंग इन नेचर है, राइट। अब क्योंकि हम जानते हैं कि देर आर थ्री लिम्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, और हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अडॉप्ट किया है, तो हमने डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर को इस तरीके से यूज किया है कि ये जो थ्री ऑर्गन्स हैं वो सेपरेटली एक्ट करें, इंडिपेंडेंट मैनर में एक्ट करें, कोई किसी दूसरे के पावर या फंक्शंस के ऊपर कंट्रोल ना रखें, राइट। ये चीज है। तो अब हम ये समझेंगे कि कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं जो डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर की ओर इशारा करते हैं। इसके पहले हम इंट्रोडक्शन में कुछ बातों को लिखेंगे जिन्हें अभी हमने समझा है। तो आप लिखोगे इंट्रोडक्शन, सबसे पहले आप लिखोगे कि देयर इज नो एनी एक्सप्रेस्ड प्रोविजंस रिगार्डिंग सेपरेशन ऑफ पावर गिवन अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।
separation of power thus separation of power is not in its absolute form, ये अपने absolute form में नहीं है, because our constitution, हमारा constitution does not define separation of power. But there are some provisions given indicating reasonable separation of power. तो यहां तक आप लिख दोगे कि देयर इज नो एनी एक्सप्रेस्ड प्रोविजन रिगार्डिंग सेपरेशन ऑफ पावर गिवन अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दस सेपरेशन ऑफ पावर इज नॉट इन इट्स एब्सोल्यूट फॉर्म बिकॉज आवर कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट डिफाइन सेपरेशन ऑफ पावर, बट देयर आर सम प्रोविजंस गिवन इंडिकेटिंग रीजनेबल सेपरेशन ऑफ पावर. ठीक है, चलिए. आगे आगे आप कंटिन्यू करोगे देयर इज पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नेंस एंड an effort has been made by our constitution makers to keep the organs of government separated from each other, but there is a lot of overlapping and combination of powers has been given to each other. तो क्योंकि हमने parliamentary form of government को adopt किया है, हमारे constitution makers ने efforts लगाया कि ये जो थ्री लिम्स ऑफ डेमोक्रेसी है, जुडिशरी, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, इन्हें एक दूसरे से सेपरेट रखा जाए, इनके पावर्स एंड फंक्शंस को एक दूसरे से डिस्टिंक्ट रखा जाए, ताकि ये एक दूसरे के मैटर में इंटरवीन ना करें और इंडिपेंडेंटली वर्क करें. लेकिन कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जो कि ओवरलैपिंग इन नेचर हैं, यानी कुछ ऐसे पावर्स हैं जो एक पॉइंट ऑफ टाइम में दोनों ही बॉडीज एक्सरसाइज कर सकती हैं, राइट. तो आगे आप लिखोगे कि देयर इज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, देयर इज parliamentary form of government and an effort has been made by our constitution makers to keep the organs separated and distinct
from each other. So that they can work independently right, but there are some combinations of power which are overlapping in each other, which are overlapping in nature. तो अब हम देखेंगे कि कौन कौन से प्रोविजंस हैं, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सेपरेशन ऑफ पावर को डिफाइन नहीं करता है, इसलिए सेपरेशन ऑफ पावर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एब्सोल्यूट फॉर्म में रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है, ये रीजनेबल फॉर्म में है। तो कौन कौन से प्रोविजंस हैं आइए समझते हैं जो सेपरेशन ऑफ पावर की ओर इशारा करते हैं। देखो सबसे पहले हमारा सम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिकॉग्नाइजिंग सेपरेशन ऑफ पावर, यहां लिख लो डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। मैं यहां केवल आर्टिकल्स लिख दे रहा हूं, आप उन्हें लिख लेना। सबसे पहले हमारा आर्टिकल 53 क्लॉज 1 है एंड आर्टिकल 154 है। ये कहता है इट क्लियरली स्टेट्स दैट एग्जीक्यूटिव power of union and executive power of states are vested in president and governor respectively and it shall be exercised directly or through subordinate officers. तो article 53 clause 1 कहता है कि जो executive power है, executive power of union जो है वो lie करता है, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन इज वेस्टेड इन प्रेसिडेंट। तो एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन किसके हाथों में है? प्रेसिडेंट के हाथों में है, ये क्लियरली बताया गया है आर्टिकल 53 क्लॉज 1 में। और आर्टिकल 154 कहता है कि एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट आर वेस्टेड इन गवर्नर्स, और ये जो प्रेसिडेंट हैं, ये जो गवर्नर्स हैं, वो अपने इस एग्जीक्यूटिव पावर का यूज़ या तो खुद से कर सकते हैं या अपने सबॉर्डिनेट ऑफिसर्स से ले सकते हैं, राइट। तो एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन इज वेस्टेड इन प्रेसिडेंट एंड एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट इज वेस्टेड इन गवर्नर। तो ये क्लियरली बता रहा है कि जो एग्जीक्यूटिव पावर है यूनियन का, वो प्रेसिडेंट के हाथों में है, स्टेट का गवर्नर के हाथों में है। तो ये क्या है? पहला आर्टिकल है जो सेपरेशन ऑफ पावर के कंसेप्ट को शो करता है। दूसरा आर्टिकल 122 एंड 212,
आर्टिकल 122 एंड 212. देखो, इट स्टेट्स दैट कोर्ट कैनॉट इंक्वायर इनटू द प्रोसीडिंग्स ऑफ पार्लियामेंट. ये आर्टिकल कहता है कि जो कोर्ट है वो पार्लियामेंट के प्रोसीडिंग्स में इंक्वायरी नहीं कर सकता है. एंड दिस इंश्योर्स दैट देयर विल बी नो एनी इंटरफेरेंस ऑफ जुडिशरी. जुडिशरी का कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा लेजिस्लेचर में, ठीक है, बिकॉज दे आर सेपरेटेड, दे आर डिस्टिंक्ट, देयर पावर्स एंड फंक्शंस आर डिफरेंट, राइट. तो ये आर्टिकल हो गया आर्टिकल 122 एंड आर्टिकल 212. तीसरा हमारा आर्टिकल 50, ये कहता है कि जो स्टेटस है जुडिशरी का और एग्जीक्यूटिव का वो अलग अलग है. दे आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर एंड दे आर इंडिपेंडेंट. वो क्या है? इंडिपेंडेंट है. आर्टिकल 245 है. आर्टिकल 245 है. आर्टिकल 245 एम्पावर्स पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर फॉर मेकिंग लॉज फॉर होल एंड स्टेट्स रेस्पेक्टिवली. तो आर्टिकल 245 पावर देता है किसको? पार्लियामेंट को और स्टेट लेजिस्लेचर्स को, कि वो लॉज बना सकते हैं. पार्लियामेंट लॉ बना सकता है किसी पर्टिकुलर स्टेट के लिए या पूरे टेरिटरी के लिए, जबकि स्टेट जो है वो अपने स्टेट के लिए लॉज बना सकता है. तो यहाँ पे जो लॉज बनाने का पावर है वो पार्लियामेंट के पास है और स्टेट लेजिस्लेचर के पास है, राइट. ओके, फिर हमारा आर्टिकल 121, आर्टिकल 121 एंड 211. ये क्या कहता है? दीज आर्टिकल्स स्टेट्स दैट जुडिशियल कंडक्ट ऑफ एनी जज, किसी भी जज का जो जुडिशियल कंडक्ट है ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट, जुडिशियल कंडक्ट ऑफ एनी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट शैल नॉट बी डिस्कस्ड इन पार्लियामेंट, उसे पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं किया जाएगा, राइट. तो कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि इंडिया स्ट्रिक्ट प्रोविजंस ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर को फॉलो नहीं करता है. हम रीजनेबल सेपरेशन ऑफ पावर के कंसेप्ट में बिलीव करते हैं और हमारा जो डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर है वो चेक एंड बैलेंस प्रिंसिपल पर बेस्ड है. यानी जो तीन डिफरेंट ऑर्गन्स हैं गवर्नमेंट के, वो एक दूसरे के एक्टिविटीज़ को चेक एंड बैलेंस करने का काम करते हैं ताकि वो इंश्योर करें कि वो विद इन कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स वर्क कर रहे हैं और दूसरे के मैटर्स में इंटरवेन नहीं कर रहे हैं. जैसे अगर लेजिस्लेचर कोई लॉज बनाता है जो लोगों के फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन करता है या लोगों को लगता है कि ये हमारे इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, तो उन लॉज को नल एंड वॉइड डिक्लेयर करने का जो पावर है वो जुडिशरी के पास है, ठीक है. तो ये जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं वो एक दूसरे के एक्टिविटीज़ को चेक एंड बैलेंस करने का काम करते हैं ताकि जो नेचर ऑफ आर्बिट्रेरीनेस है, जो मिसयूज ऑफ पावर है, उसे मिनिमाइज किया जा सके. तो ये था डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. अगर ये लेक्चर आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, बिकॉज आई बिलीव टुगेदर वी लर्न, टुगेदर वी ग्रो. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.